हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है दोस्तों कहावतें। तो दोस्तों चलिए आज 10 ऐसे प्रोवर्ब्स को जानेंगे इंग्लिश में और हिंदी में, और इसका मीनिंग भी समझेंगे दोस्तों क्या होता है। फर्स्ट है दोस्तों गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला। दोस्तों आपने सुना होगा अगर माइंड अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो फर्स्ट वाला प्रोवर्ब का मतलब यही हुआ दोस्तों, गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला। सेकेंड, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। दोस्तों इस प्रोवर्ब का मतलब होता है जैसे अगर कोई आप काम कर रहे हो, उसका अगर आउटकम पता है कि यह काम करने से ये होगा, अगर अंत भला पता है दोस्तों आपको तो सब भला होता है। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अगर अंत अच्छा तो सब अच्छा है दोस्तों। थर्ड है अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। दोस्तों इस प्रोवर्ब का मतलब हुआ लिटिल लर्निंग जो है वो डेंजरस है दोस्तों। जैसे एग्जांपल, एक डॉक्टर है, अगर उसको लिटिल नॉलेज होगा तो पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर सकता। इसी तरह दोस्तों अगर एक टीचर है, उसके पास लिटिल नॉलेज है, कम नॉलेज है, तो एक स्टूडेंट को अच्छी तरह से नहीं समझाएगा, पढ़ा पाएगा। इसलिए दोस्तों अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरा जाने, इस प्रोवर्ब का मतलब हुआ। फोर्थ है दोस्तों एन एम्प्टी वेजल साउंड्स मच, अधजल गगरी छलकत जाए। दोस्तों इस प्रोवर्ब का मतलब हुआ किसी पर्सन है जो कि कम टैलेंटेड है, उसके पास कम नॉलेज है, लेकिन वो दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है। तो आप उस पर्सन को कह सकते हैं एन एम्प्टी वेजल साउंड्स मच, अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, सांच को आँच क्या। दोस्तों ट्रूथ जो है वो कभी नहीं डरता है टेस्ट से, जो सच है, इस प्रोवर्ब का मतलब ये हो दोस्तों। सिक्स्थ नंबर, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी काम शैतान का। दोस्तों अगर कोई भी काम जल्दी करता है तो उस वो काम बिगड़ जाता है दोस्तों, तो जल्दी काम शैतान का, इस प्रोवर्ब का मतलब हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों सेवन में, लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स, बीती ताही बिसालियाँ। दोस्तों इस प्रोवर्ब का मतलब हुआ दो फ्रेंड्स हैं, जैसे दोनों फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई, अब एक फ्रेंड्स चाहता है कि मैं उससे दोस्ती कर लूँ फिर से, तो जाकर अपने दूसरे फ्रेंड्स को कहेगा लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स, जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग फिर से दोस्ती कर लेते हैं दोस्तों। बीती ताही बिसालियाँ, इस प्रोवर्ब का मतलब ये हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है एट नंबर, एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन, विपत्ति का साथी कोई नहीं, दुख का कोई साथी नहीं होता दोस्तों। एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन, इस प्रोवर्ब का मतलब हुआ। नेक्स्ट है अ ड्रोनिंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। दोस्तों इस प्रोवर्ब का मतलब हुआ कोई पेशेंट है, उसको कहीं सर्जरी कराना है, तो डॉक्टर ने उसे साफ साफ कह दिया कि इसमें बहुत दर्द होगा आपको, नेक्स्ट मंथ आपको सर्जरी कराना है इसके लिए, तो पेशेंट जो है फिर भी सर्जरी कराएगा क्योंकि वो थोड़ा सा पेन को सह के अपना आगे का लाइफ अच्छा करेगा। दोस्तों अ ड्रोनिंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ, इस प्रोवर्ब का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, तेते पाँव पसारिए जैती लंबी सौर। इस कहावत को आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों अपने घर में कि जितना चादर उतना फैलाओ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, इस प्रोवर्ब को आप उसी से रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के 10 प्रोवर्ब आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो आपको कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।